महाराज जी, हम नीम करोरी महाराज जी के भक्त हैं। जीवन सुधारने के लिए जब इच्छा जागी तो गुरुदेव की प्रेरणा से आपसे जुड़े। अब आप में गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि नीम करोरी बाबा जी अब अपने शरीर से नहीं है। इससे गुरु प्राप्त तो नहीं हो रहा। नीम करोरी महाराज जी ने कभी दीक्षा नहीं दी, पर उनको राम नाम बहुत प्रिय था। हम राम नाम और हनुमान चालीसा करते हैं, इससे भव पार हो जाएंगे महाराज जी? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जैसे कण कण में परब्रह्म है, ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहां हमको भगवान की प्रिय बात सुनने को मिली, जहां हमको भगवत प्राप्ति की बात मिली, वहां हमें पकड़ना चाहिए मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। शरीर कोई भी वो धारण किए हो, शरीर कोई भी हो, लेकिन जहां अपने मार्ग के अनुकूल, भगवत मार्ग के अनुकूल बात मिल रही, हम उसे गुरुवाणी मानते हैं, गुरुदेव के वचन मान करके चल देते हैं। क्योंकि गुरुदेव जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चरा अचरम, जड़ चैतन्य में वही विराजमान है, तो बोल कौन रहा है? गुरुदेव बोल रहे हैं, उनकी बात मान ली तो अपराध बनने का तो सवाल नहीं। और जो पूछा कि राम राम जपते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, भव समुद्र से पार हो जाएंगे, तो कभी संशय मत करना। भगवान के जितने नाम है, सब नाम सब सामर्थ्य रखने वाले हैं। फिर भगवान का नाम आप जप रहे और भगवान के महाभागवत हनुमान जी का यश गा रहे, हनुमान चालीसा का मतलब, और भव समुद्र से पार होने में संशय, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। संशय अगर बना रहा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यते, वो कहीं ना कहीं आपको ना नाम बदलने की जरूरत है, न साधना बदलने की जरूरत है, न गुरु बदलने की जरूरत है, केवल भाव बदलने की जरूरत है। मेरे गुरुदेव इस रूप में मुझे उपदेश कर रहे हैं, बस सत्संग सुनो। जब हम राधा बोले तो तुम समझो हमारे लिए राम राम बोल रहे हैं। हम चूंकि हमारा हृदय श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित है, तो हमसे कोई पूछे कि हम क्या जपे, तो हमारा हृदय बोलेगा राधा 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 राधा। आपको गुरु जी ने कहा कृष्ण, तो आप उसी समय कृष्ण नाम कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको बोला राम, तो राम राम राम, क्योंकि सब उन्हीं के नाम है, कोई अंतर नाम में नहीं। पर मुझे जो प्राप्त हुआ वो राधा 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 राधा। अब जो हमारे हृदय से जुड़ेगा तो चाहे जो कुछ बोलो आ जाएगा राधा राधा राधा। थोड़ा भी अगर हमसे प्यार किया, थोड़ा भी हमसे अपना माना, तो संक्रामक रोग चढ़ जाएगा के ऊपर पक्का। देख लो, देख लेना, संक्रामक रोग है ये प्रेम। जैसे गुरु जी चढ़ गया, नहीं वो चढ़ जाएगा। अगर थोड़ा तुम्हारी श्रद्धा इधर प्रेमानंद, तो प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धारा धर समकांति, ये हमारे आचार्य हमारी प्रिया जो है न्यूजीलैंड से ले आए गुरु जी, पांच जाने न्यूजीलैंड से सिर्फ मिलने आप। हाँ तो राधा राधा जी को ये हमारे पास। अच्छा, जो नाम जप कर रहे हो आप उस पर श्रद्धा कभी गिराना नहीं, क्योंकि हमारे ही प्रभु के नाम है, अनंत नाम है ना, अनंत नाम है। तुम्हें जो नाम प्रिय लगा उससे मन हटाने की जरूरत नहीं। और जब जबरदस्ती छा जाएगा नाम, तो फिर तुम चला ही नहीं पाओगे। और जब किशोरी जी कृपा करेंगी, तो लालजू जब कृपा करते हैं तब राधा नाम आता है, क्योंकि राधा नाम लालजू के हृदय का गुप्त धन है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। हाँ, चांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, लालजू के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप हुआ तो नाम राधा। वो स्वयं अपनी बंसी से राधा राधा, अपनी जिभ्या से राधा राधा। तो हमारा तो रंग जब चढ़ेगा तो राधा ही राधा आएगा, बच्चे बच्चे में। हमारे माई श्यामा जू को राज, छोटा बच्चा है ना। अब जैसे उसे विनोद में पूछा एक दिन, भाई हम तो ये जानना चाहते हैं कि लालजू और श्री जी ये दोनों खड़े हैं, तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे? छोटा बच्चा, तो उनका श्री जी की तरफ, हमारे भाई श्यामा जी को राज। यही 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 बात प्रेमानंद की छाती की यही बात है, यही अंदर से आएगी। क्योंकि हम वृंदावन वासी राधा उपासी, इसी ठसक में लालजू हमारे अधीन रहते हैं। प्रियाजू की निज प्रियता के कारण ही लालजू हमारे अधीन रहते हैं, और हम प्रियाजू के सुख के लिए प्रियाजू से भी बढ़कर लालजू को प्यार करते हैं। क्योंकि तद्भावोत्सवता परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति, तद्भावोत्सवता आपके भाव बढ़ाने के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। तो बोले आपके प्राणनाथ कौन है? मेरे प्राणनाथ से श्यामा शपथ करो तृण छिये, राहु को काहू मने दिए।
और लालजू तो ये तद्भावोत्सवता, हे लाडली जू तद्भावोत्सवता, परम भव तुम्हें तत्प्राणनाथे, रति मम प्राणनाथे आप, तत्प्राणनाथे आप में रति आपके भाव के लिए, तद्भावोत्सवता। ये हमारा सहचरी भाव निज वृंदावन नित्य विहार रस का है। तो जो सिद्धांत आपको अपनी उपासना में फिट लगे वो पकड़ लो, जो हमारी उपासना के उसको सुन करके प्रणाम कर लो, भाई बात तो ये भी है लेकिन हमको चलना है ये मार्ग। जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, राधा दामोदर जू है तो वही ना, पर हमारी प्रियता हो गई राधा वल्लभ नाम से, राधा वल्लभ रूप से, हमारी प्रीता हो गई बाक्य बिहारी से, हमारी प्रीता हो गई राधा रमण जी से, हाय वही प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम थोड़ी बदल गए। गलवैया दिए पहुंचे तो उस उपासक सखी ने वो नाम दे दिया, मान लो गोपाल भट्टी जी की कुंज में पहुंचे तो उन्हीं प्रिया प्रीतम को राधा रमण जी पुकारा, उन्हीं प्रिया प्रीतम को राधा दामोदर पुकारा, राधा गोविंद देव जी पुकारा, राधा मदन मोहन पुकारा है तो वही श्यामा श्याम। ऐसे ही राम सिया हरि के जितने अवतार जितनी देवी शक्तियां सब एक ही तत्व बना हुआ है, दूसरा नहीं। तो सत्संग सब सुने और अपने उपासना की पुष्टता की बात स्वीकार कर ले और साथ में चले, कहीं कोई बाधा नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। समझ पा रहे सके?